सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करती हाँ मैं ਤੁਹਾਡਾ अपने यूट्यूब चैनल ਤੇ हमेशा की तरह अज भी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इंटरस्टिंग एंड एक्साइटिंग वीडियो लैके आई हाँ। अज की इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ पंजाब के नक्शे बारे ਜਾਂ ਫਿਰ कह सकते हैं कि पंजाब की आम जानकारी ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਲਾਸ 1 भी ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ क्योंकि ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਭੂਗੋਲ मतलब भूमि बारे गल करांगे, ठीक है, अपनी जमीन बारे अपनी धरती बारे गल करांगे। सब तो पहला तुसी देख सकते हो मैं पंजाब दा नक्शा बना लिया होया। ये जिहड़ा खेतर तुहानू पंजाब दा नक्शा जिथे पंजाब फैलिया होया ये हैगा जी 50,362 किलोमीटर। ये पंजाब दा खेत्रफल आ 50,362 किलोमीटर स्केयर जां वर्ग किलोमीटर जिन्हों असी बोल देंगे हाँ, ठीक है। ये पंजाब का खेत्रफल है इन्ना जो तुहानू फैलिया होया दिख रहा। तो पूरे भारत की गल करिए तां पूरे भारत का पंजाब नूं 1.54% हिस्सा मिलिया होया, जानी कि 1.5% हिस्सा वा जिहड़ा ओह पंजाब दे खेतर ने पूरे भारत का घेरिया होया वा। तो इहदे विचों तुसीं देख सकदे हो सब तो पहलां तां तुहानू इह आ सकदा कि पंजाब का आकार किहो जिहा। पंजाब का आकार आ जिहड़ा ओह तिकोनामा, ठीक है, तिकोनाकार तुहानू दिख रहा वा। ये उस तो बाद सैकेंड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के विच इस बारे पूछे जाते हैं कि पंजाब की हद किनू लगती है, ठीक है, हद मतलब बाउंडरी। तो पंजाब के नक्शे बारे गल कर रहे हैं, सब तो पहले इहदी बाउंडरी बारे गल करांगे। बाउंडरी बारे गल करांगे तो तुहानू ये क्वेश्चन आउंदा हुंदा एग्जाम दे विच कि पंजाब के उत्तर विच किहदी हद लगती है। पंजाब के उत्तर दे विच हद लगती है जी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की हद लगती है पंजाब के उत्तर दे विच। पंजाब के पूर्व दे विच जे गल करिए तां हिमाचल प्रदेश की हद लगती है, हिमाचल प्रदेश। दक्षण पश्चिम की गल करिए, दक्षण की गल करिए पहला दक्षण दे विच दो राज्यां की हद लगती है, एक आ जांदा हरियाणा ते दूसरा आ जांदा वा राजस्थान। ते पश्चिम की गल करिए तां पाकिस्तान की हद लगती है पंजाब दे नाल। हुण एग्जाम दे विच ये आउंदा हुंदा कि पंजाब नूं अंतरराष्ट्रीय हद किहड़ी लगदी आ। अंतरराष्ट्रीय दा मतलब हुंदा भारत तो बाहर किसी होर देश की हद लगना। तो भारत तो बाहर किसी होर देश की किहदी गल हो रही है, पाकिस्तान की। यह हैगी अंतरराष्ट्रीय हद। तो राष्ट्रीय मतलब भारत की गल हो रही है, साडे देश भारत की। तो तीन राज्यां की हद लगदी आ, वह है जी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो जम्मू कश्मीर हुण एक राज नहीं रहा, ये केंद्र शासित प्रदेश आ। तो केंद्र शासित प्रदेशों के विच पंजाब नूं हद लगती है जम्मू कश्मीर की। तो इत्थे बसिया होया वा जी चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है। तो हुण तुहानूं ये क्लीयर हो गया होना पंजाब दे नाल एक देश की हद लगती है, अंतरराष्ट्रीय हद एक लगती है, तीन राज्यां की हद लगती है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दो केंद्र शासित प्रदेशों की हद लगती है चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन जिस तरह मर्जी आ जाए, हुण तुसीं पूरे आसानी दे नाल इहनूं अटैम्प्ट करके आए हो एग्जाम दे विच। उत्तर विच किहदी हद लगती है जम्मू कश्मीर की, पश्चिम पूर्व दे विच किहदी लगती है हिमाचल प्रदेश की, दक्षण दे विच हरियाणा ते राजस्थान की, पश्चिम दे विच पाकिस्तान दी। किसी भी तरह तुहानू आ सकदा। इस तो इलावा किन्ने राज्यां दी हद लगदी है, तीन राज्यां दी, किन्ने केंद्र शासित प्रदेशों की हद लगदी है, दो दी, किन्ने देशों की हद लगदी है, एक दी। इस तरह तुसीं इनू टिप्स ते ही याद कर लेना, मैप तो समझ सकते हो तुसीं। हो सके तो इस मैप नू लर्न कर लेना, उस तो बाद तुसीं आप भी ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि मैं भी ड्रॉ किया वा। जेकर नहीं ड्रॉ कर सकते तो खाली मैप लैके पंजाब का मैप लैके उन्होंने फिल करके जरूर देखना क्योंकि ये थोड़ी नॉलेज के इंक्रीमेंट होगा ना, तो आप पता लगेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आ, बिल्कुल बेसिक नॉलेज के पूछे जाते हैं जोड़े एग्जाम के आते हैं, तो कई बार साढ़े तो गलत हो जाते हैं, ठीक है। इदा तुम पूरा क्लीयर पढ़ सकते हो। हुण असीं गल करते हैं पंजाब के अंदरले खेतर की। अंदरला खेतर है जिहड़ा 23 जिलियां दे विच वंडिया होया। किन्ने जिले आउंदे आ पंजाब दे विच हुण इस समय तक 23 जिले आ पंजाब दे, ठीक है। तो 23 जिले जिहड़े पंजाब दे हैगे आ, सामने तुहाडे मैं मैप दे विच फिल कीते होए आ। तो इन्हां 23 जिलियां दी जेकर असीं गल करिए, इन्हां नूं भी अगे तीन खेतरां दे विच वंडिया होया। तीन खेतर किहड़े आ? पहलां तां मैं जिवें जिवें इत्थे तीन कलर यूज़ कीते होए आ, तीन खेतर दे विच वंडिया होया। एक हैगा माझा, ठीक है, दूसरा खेतर हैगा वा मैं ब्लू कलर वरत्या होया, दूसरा खेतर हैगा जी दुआबा, ਅਤੇ तीसरा खेतर आ मालवा जिहड़ा कि रैड कलर दे विच तुहानू दिख रहा मालवा। ठीक है, ये मालवा तीन खेतर आ पंजाब दे ते जिहड़े तिन्ने ही आ तुहाडे सामने आ माझा दुआबा मालवा ते ये जिहड़े तीन खेतर आ ये दरियावां दे अकॉर्डिंग वंडे होए आ। हुण तुहानू कदे भी क्वेश्चन आउंदा कि पंजाब दे विचों किन्ने दरिया लंघदे आ, तीन दरिया लंघदे आ, फिर अगे तुहानू डिटेल दे विच आ सकदा कि किहड़ा दरिया किन्ने जिलियां दे विचों लंघदा वा, तां ओह वी आपां इत्थे गल करांगे, नाल दी नाल तुहानू जिले आ जिहड़े ओह रिवाइज हो जाणगे। ठीक है, सब तो पहलां जी पंजाब दे विचों जे आपां गल करिए मैप दी उत्तर वाले पास्यों तां पंजाब दे विच्चों अमृतसर के हद तो लैके जांदा वा जी रावी जिहड़ा कि पठानकोट तो बाहर चलिया जाता। उस तो बाद पठानकोट का एक पिंड आ चौन पिंड उहदे विच्चों ये दाखल हुंदा वा। ठीक है, तो ये पंजाब के तीन जिलियां विच्चों लंघदा, इत्थे मैं लिख दिंदी आ रावी तीन जिलियां दे विच्चों लंघदा वा, ये अमृतसर गुरदासपुर पठानकोट। फिर आउंदा वा जी ब्यास, ब्यास पंजाब के 6 जिलियां दे विच्चों लंघदा। ब्यास जिले तरन तारण जिले दे विच एक हरी के पत्तना, इत्थे मान लो हरी के पत्तना ते उत्थे आके ये मतलब हरी के पत्तन जिहड़ी झील आ उहदे विच मिक्स हो जाता सतलुज दे विच। ठीक है, तो पंजाब के 6 जिलियां विच्चों लंघदा तरन तारण अमृतसर गुरदासपुर पठानकोट हुशियारपुर अते कपूरथला चों हुंदा होया इत्थे पौंग डैम बनिया होया इहदे उपर। ठीक है, तो ये हैगा जी ब्यास दरिया। ठीक है, फिर हैगा सतलुज दरिया। सतलुज दरिया वा जिहड़ा ये पंजाब दे 9 जिलियां दे विच्चों लंघदा। इत्थे मैं ब्यास लिखना सी, हुण लिख दिंने आपां ब्यास 6 जिलियां दे विच्चों लंघदा, पठानकोट गुरदासपुर अमृतसर कपूरथला अते हुशियारपुर दे विच्चों। अगे असीं गल करन वाले आ सतलुज दी, उस तो बाद मैं तुहानूं दस्सांगी जिहड़े तीन खेतर दरियावां दे अकॉर्डिंग वंडे होए आ, पहलां असीं दरिया ड्रॉ कर रही हाँ मैं। ठीक है, तो जिहड़ा उस तो बाद आंदा सतलुज, सतलुज लंघदा वा जी फाजिलका फिरोजपुर, फिरोजपुर दे विच्चों लंघ के ये तरन तारण दे विच जिहड़ी झील आ हरी के जिहदे बारे मैं तुहानूं दस्सिया वा उहदे विच चलिया जांदा मिक्स हो जांदा। फिर मोगा दे विच दी हो के जलंधर लुधियाना नवां शहर अते फतेहगढ़ साहिब रूपनगर दे विच दी हो के इत्थे ही बनाउंदा। ठीक है, गोविंद सागर झील बनी हुई है इत्थे जिहड़ी कि हिमाचल च पै जांदी आ। तो उस तो बाद इधर लंघता घग्गर, घग्गर एक मौसमी दरिया वा, ये बारे कोई आपां ज़्यादा गल नहीं करांगे क्योंकि मौसमी दरिया वा ते असीं पंजाब दे खेतरां दी गल कर रहे हैं। खेतर जिहड़े तीन दरिया मेन अपने जिहड़े पंजाब दे विच्चों लंघदे आ, तीन दरिया घग्गर नूं विच ला के कदे भी चार दी ऑप्शन ना लाउणा क्योंकि मौसमी दरिया ते सदाबहार दरिया वा जिहड़े हमेशा सारा साल चलदे आ। ठीक है, ते घग्गर एक मॉनसून ते डिपेंड आ। ते इस तो बाद जेकर असीं गल करिए हुण कि पंजाब दे माझे दी, माझा माझा केड़ा खेतर आ जिहड़ा रावी अते व्यास दे विचकारला खेतर आ, ये सारा माझा खेतर आ जिहड़ा रावी अते व्यास दा सेंटर वाला पार्ट तुहानूं दिख रिहा। किन्ने जिले आउंदे आ माझे च, तरन तारण अमृतसर गुरदासपुर पठानकोट, 4 जिले आउंदे आ माझे दे विच। सो तुसीं ध्यान दे विच रखना माझा जिहनूं सिक्खी दा पंघूड़ा कहा जांदा, पंजाब दा दिल कहा जांदा वा। ठीक है, ते इह तरन तारण अमृतसर गुरदासपुर अते पठानकोट ये 4 जिले माझे दे विच आउंदे आ। उस तो बाद आ जांदा जी दुआबा। दुआबा किहड़ा इलाका वा? दुआबा हैगा वा सतलुज अते व्यास दे विचकारला इलाका, सतलुज अते व्यास दे विचकारले इलाके नूं बोलदे आ दुआबा। ठीक है, इहदे विच वी 4 जिले आउंदे आ हुशियारपुर जलंधर कपूरथला, कपूरथला 2 पार्ट्स दे विच वंडिया होया, थोड़ा जिहा जलंधर तो परे पै जांदा वा। ठीक है, ते हुशियारपुर जलंधर नवां शहर ते इस तो इलावा कपूरथला। ठीक है, 4 जिले आ जिहड़े दुआबे दे विच पैंदे आ। उस तो बाद आ गया जी मालवा, जिहड़े बाकी दे जिले बचे आ ओह सारे दे सारे मालवे दे विच पैंदे आ। ते मालवे दे विच किन्ने जिले पैंदे आ ये तुहाडे सामने आ, टोटल 23 जिले आ, 23 दे विचों 8 माइनस कर दो मगर रह गए 15 जिले मालवे दे विच पैंदे आ। फिरोजपुर फाजिलका मुक्तसर फरीदकोट मोगा बठिंडा, बठिंडे नूं मालवे दा दिल कहा जांदा। ठीक है, उस तो बाद लुधियाना, लुधियाणे नूं पंजाब की उद्योगिक राजधानी बोलिया जाता, आर्थिक राजधानी। ठीक है, फिर मरेलकोटला जिहड़ा कि मई 2021 दे विच बनिया वा पंजाब का जिला, ठीक है 14 मई 2021 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ। ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ? ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਐਸਬੀਐਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਲਗਾ ਕੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾਝੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਲਵਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਲਵਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਲਵਈ ਆ, ਮਲਵਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਝੀ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਟਕਸਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਝੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਬੱਬਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਲਵਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆ। ਫਿਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਥੋੜੀ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਰਸਤਾ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਆ ਇਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 3-4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਦਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਮਤਲਬ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਤਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ। ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਆ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਪ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 MCQ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ हाई लैवल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो PTPSB के वालों बनाए गए किसी भी क्वेश्चन पेपर में उठा के तुसीं देख सकते हो PTPSB वालों जिहड़ा पाया गया वा उस दे विच चाहे वह क्लर्क का होवे चाहे वह पटवारी का होवे तुहानूं अपने आप इस दे विचों क्वेश्चन मिलणगे ते तुसीं तुहानूं क्लीयर भी होणगे। ठीक है, तो हुण आपां गल करदे आं, वैसे तो कुछ रह नहीं गया मैप के नाल रिलेटिड दस्सण लई, बाकी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ जरूर रह गई जिहड़ी बहुत इंपोर्टेंट आ, तुहानूं ये आ सकदा कि उत्तर तो लैके पंजाब के दक्षण तक ये दूरी किन्नी आ, उत्तर तो लैके पंजाब के दक्षण तक की जिहड़ी दूरी आ यह हैगी आ 335 किलोमीटर। ठीक है, ये जिहड़ी दूरी आ ये दूरी किन्नी आ 335 आ, कित्थों उत्तर तो दक्षण वाल। पर जे पूर्व तो पश्चिम तक पुछ लिया जाए, पूर्व तो पश्चिम आ देख सकते हो तुसीं, पूर्व तो पश्चिम ये दूरी किन्नी आ यह हैगी आ जी 300 किलोमीटर। सो तुसीं ध्यान दे विच रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ कि उत्तर तो दक्षण तक की दूरी 335 आ, पूर्व तो पश्चिम तक की दूरी 300 किलोमीटर आ। क्लीयर? हुण जो तुहानूं क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे नाल जल्दी जल्दी रिवाइज करो, उस तो बाद तुसीं अपना मैप भी बना के फिल करना वा, तो कोशिश करो बिना देखे फिल करन दी तां जो तुहानूं सारा कुछ क्लीयर होवे। सब तो पहला क्वेश्चन है कि पंजाब दे विच उत्तर दे पंजाब दे उत्तर विच किस दी हद लगदी आ? पंजाब दे उत्तर दे विच जम्मू कश्मीर दी हद लगदी आ। पंजाब दे दक्षण दे विच किहदी हद लगदी आ? दो राज्यां दी लगदी आ, हरियाणा अते हिमाचल प्रदेश दी। पंजाब दे पश्चिम दे विच किहदी हद लगदी आ? हिमाचल प्रदेश की लगती है। चंडीगढ़ की ऑप्शन मिलती है तो चंडीगढ़ की ऑप्शन लगा सकते हो तुसीं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पर भी डिपेंड करता वा कि चंडीगढ़ आउंदा कि हिमाचल आउंदा कि दोनों ही आउंदे आ, जो उपरोक्त दोवें आउणगे तो दोवें लगावांगे। उस तो बाद पंजाब के पश्चिम के विच पाकिस्तान की हद लगती है। पंजाब नूं अंतरराष्ट्रीय हद कितनी लगती है? किन्ने देशों की लगती है? एक की लगती है। ठीक है, किहदी लगती है? पाकिस्तान की लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई, जल्दी नाल इहनूं रिवाइज कर लो। उस तो बाद की गल असी हद दे नाल रिलेटिड गल कर ली है। ठीक है, पंजाब नूं किन्ने राज्यां दी हद लगदी है? 3 दी। किन्ने केंद्र शासित प्रदेशां दी लगदी है? 2 दी। किन्ने देशां दी लगदी है? 1 दी लगदी है। पंजाब दे उत्तर पूर्व दे विच की आ? उत्तर पूर्व दे विच शिवालिक दीयां पहाड़ियां। दक्षिण पश्चिम दे विच की आ? रेत दे टिब्बे आ। पंजाब दे जिहड़े जिले आ उन्हां नूं किन्ने खेतर दे विच वंडिया होया? 3 दे विच, माझा दुआबा ते मालवा। माझे विच किहड़े जिले आउंदे आ? पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन ते गुरदासपुर। ठीक है, फिर अगे आ गया दुआबा। दुआबे विच किहड़े जिले आउंदे आ? कपूरथला, जलंधर, नवांशहर ते हुशियारपुर। उस तो बाद बाकी दे जिन्ने जिले बच गए किहदे विच आउंदे आ? मालवे दे विच आउंदे आ। बस ये चार याद रख लो, बाकी सारा तुहानूं अपने आप क्लीयर हो जाना, तुसीं आसानी दे नाल अटैम्प्ट कर सकदे हो कुछ भी जेकर एग्जाम दे विच आउंदा। ठीक है, चंडीगढ़ किहड़ियां पहाड़ियां दे पैरां दे विच वसिया होया? शिवालिक दीयां पहाड़ियां दे विच वसिया होया। साडे पंजाब दी राजधानी किहड़ी है? चंडीगढ़ आ। क्लीयर? चंडीगढ़ की आ? एक केंद्र शासित प्रदेश आ। चंडीगढ़ का प्रबंधक कौन हुंदा वा? जिहड़ा पंजाब का मौजूदा राजपाल आ, उही चंडीगढ़ का प्रबंधक हुंदा वा। ठीक है, ये तुहानूं कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जिहड़े एग्जाम दे विच पुछे भी गए आ ते आउंदे भी रहिंदे आ, बार बार रिपीट हुंदे आ। इस तो बिना जे असीं गल करिए ते माझे वाले किहड़ी बोली बोलदे आ? टकसाली बोली बोलदे आ, साहित्यक बोली बोलदे आ, माझी बोलदे आ, कोई भी ऑप्शन आ सकदी है तुहानूं। ठीक है, इस तरह तुसीं अपना जिहड़ा पूरा मैप आ रिवाइज कर सकते हो, उस दे नाल रिलेटिड जिन्ने भी फैक्ट आ वो याद कर सकते हो। रावी किन्ने जिलियां दे विचों लंघदा वा? 3 दे विचों। व्यास किन्ने जिलियां दे विचों लंघदा वा? 6 दे विचों। सतलुज किन्ने जिलियां दे विचों लंघदा? 9 जिलियां दे विचों लंघदा वा। जेकर असीं रावी दी गल करिए, रावी ते किहड़ा डैम बनिया होया? रावी ते बनिया होया थीन डैम। किहड़ा डैम? थीन डैम, जिहड़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट आ तुहाडे लई। ठीक है, ये रावी ते बनिया होया। तो ब्यास ते किहड़ा डैम बनिया होया? पौंग डैम। तो उस तो बिना सतलुज ते किहड़ा डैम बनिया होया? भाखड़ा डैम, जिहड़ा कित्थे पैंदा? हिमाचल प्रदेश दे विच पैंदा। सो तुसीं ये ध्यान रखना जिहड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आ, बाकी जो हो सके तो मैनूं लगदा नहीं भी कुछ रह गया जो मैं तुहानूं दस्सणा वा, तो कई बार कुछ माइंड चों निकल जाता वा, नहीं याद रहता कि कुछ रह भी गया या नहीं रह गया। जे मैनूं लग्गिया तो आपां नैक्सट वीडियो दे विच डिस्कस कर लवांगे। तुसीं भी कमेंट बॉक्स दे विच दस सकदे हो कि तुहानूं अगली वीडियो किहड़े टॉपिक ते चाहिदी है, जां किहड़ी चीज़ तुहानूं नहीं क्लीयर होईगी तां आपां एज PDF ते भी सेम चीज़ तुहानूं समझा सकदे आ जेकर बोर्ड ते नहीं क्लीयर होया, क्योंकि कलर ज़्यादातर मिक्स हो गए लगते हैं। ठीक है, वैसे मैं अपने वालों पूरी कोशिश की है, उम्मीद करती हाँ कि तुहानू समझ आया होना तो अज की ये वीडियो भी तुहानू पसंद आई होनी आ। बिल्कुल बेसिक तो जी मैं शुरू की है, जोग्राफी क्लास 1 भी बोल सकते हैं आप इनू। ठीक है, हाँ जी, वीडियो में देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।